दादी उठिए प्लीज। बेटा इतनी रात गए। दादी आकाश का फोन आया था। आकाश और पूरब उस लॉयर के ऑफिस में गए जो मेरा डिवोर्स करवाने वाला था। वहाँ फंस गए दोनों। वहाँ के वॉचमैन ने उन दोनों को लॉक कर दिया वहाँ पे। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? अगर उस वॉचमैन ने पुलिस को बुला लिया तो? पुलिस को छोड़ो, अगर उन्होंने तनु को बुला लिया तो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों वहाँ गए क्यों हैं। वो भी मुझे बताए। दादी आपको कुछ पता है इस बारे में? देखिए प्लीज प्लीज मुझे बताइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। दी वो आपने मुझसे कहा था ना कि अब आप अपने हक के लिए लड़ेंगी, तो वही बात मैंने सबको बताई। फिर पूरब भैया एक प्लान के साथ आए कि अगर हम वो डाइवोर्स पेपर्स चुरा लें तो तनु कुछ नहीं कर पाएगी। ना होगा डाइवोर्स और ना होगी तनु की शादी। आकाश और पूरब ना वही डाइवोर्स पेपर्स चुराने के लिए गए। लेकिन रज्जू इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बिना क्यों उठाया? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। ये वो दोनों आए थे आपके पास, पर आप अभी चीजों के साथ थे। फिर आपने उनसे कहा कि तुम लोग संभाल लोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। बस पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मत कैसे तुम लोगों की मेरे लॉयर के ऑफिस में घुसने की। क्या सोच के थे चोरी करोगे यहाँ पे? नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारा रिश्ता प्रज्ञा के साथ सिर्फ एक इंसानियत का है। बुलबुल उसकी बहन थी, इसलिए इमोशनली अटैच होकर उसे सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारी घटिया हरकत देख के मुझे यकीन हो गया कि उसके हर एक प्लान में तुम शामिल हो। अब तुम्हारी पोल खुल गई है और तुम्हें सजा भी मिलेगी। क्या चुराने आए थे पूरब? अभी और प्रज्ञा के डिवोर्स पेपर्स। प्रज्ञा के साइड पर तुम ऑलवेज थे, ये तो मैं जानता था। आज की हरकत ने उसे प्रूव कर डाला। अक्सर ऐसा ही होता है, जो चीज दुनिया में हमारे सबसे करीब होती है और हम दुनिया से छुपाते हैं उसे, घर का अपना ही उसे चुरा लेता है। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। भेदी तो तू खुद है। सबसे बड़ी विपत्ति मैंने करी तुझे घर में लाके। अगर तुझे घर में लाता नहीं ना तो ये सब कभी होता नहीं। निकले सब कभी होता ही नहीं। दोस्त कहता था ना मुझे, तूने अपने दोस्त की पीठ पे छुरा मारा। लेकिन मुझे बोला आज तक मैं चुप था, लेकिन धक्का दी मुझे छोड़ने को करता। आज चुप नहीं रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। निखिल तुम पागल हो गए हो? चोरी और तुम लड़ाई किए जा रहे हो? पूरा दोस्ती में धोखा इससे नहीं, दोस्ती में धोखा तुमने दिया है। अबे की पीठ पे छुरा तुमने मारा है। उसकी दुश्मन का साथ देके तुम अभी से दुश्मनी निकाल रहे हो। तुम लोग प्रज्ञा का केस खत्म करने आए थे ना, लेकिन केस तो तुम लोगों पे बनेगा। लेकिन चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे प्रज्ञा की टीम के बारे में धीरे धीरे पता तो चल रहा। जो लोग अभी के सामने अपना होने का दावा करते हैं, उन लोगों के बारे में पता तो चल रहा है मुझे। तुम लोगों के चेहरे से सिर्फ नकाब नहीं उतरा है, तुम दोनों के चेहरे पर काले भी लगेगी। शट अप। मैंने प्रज्ञा को अकेले जाने क्यों दिया? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। दादी तू जानती है ना कितनी जिद्दी है वो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी मुसीबत में पड़े। चिंता की कोई बात नहीं, अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। स्ट्रॉन्ग दादी, आप लोगों ने प्रज्ञा को कहीं देखा? हाँ अभी दी आई थी थोड़ी देर पहले और फिर चली गई। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं गई? अरे जाएगी कहाँ, होगी यहीं कहीं। और आप शायद भूल रहे हो कि वो यहाँ की ओनर है, और वो कहाँ अपना प्रॉपर्टी जायदाद ये सब छोड़ के थोड़ी ना जाएंगी। और वो तो इतनी लालची है कि मैं उसकी बुराई सुनने नहीं आया, जो पूछा उसी का जवाब दूंगा।
वैसे इतनी रात को आप दोनों जगे हुए क्यों? और मेरे आने से पहले क्या बातें चल रही थी? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? हम क्या छुपाएंगे आपसे? हाँ। तो तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही? वो मुझे तो नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि अगर दादी भी जग रही होंगी तो दादी के पास आके थोड़ी हम लोग बातें कर लेंगे। और हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, हम तो बस यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे थे बस। ये लोग जरूर मुझे कुछ छुपा रहे, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्या कर रहे तुम, पागल हो गए? अब मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए तुम? तुमने फोन चुका था अभी का? आज मुझे अभी के सामने सबकी सच्चाई लानी थी। ज्यादा खुश हो जाती है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है क्या तुम्हारा? अभी अगर यहाँ आया तो सिर्फ उन तीनों का भांडा नहीं फूटेगा, हम सबका भांडा फूटेगा। सबका मतलब तुम्हारा, आलिया, मेरा, सबका। यू अंडरस्टैंड? बकवास कर रहे हो, पकड़े वो तीनों जाएंगे, हमारा भांडा कैसे फूटेगा? तनु समझने की कोशिश करो, अभी अगर यहाँ आता है तो उसको पूरी कहानी समझ में आएगी, पूरी कहानी। यू अंडरस्टैंड? सिर्फ ये चोरी का कांड नहीं, ये लोग तो उसकी नजरों में गिरेंगे ही। तुम्हारा क्या होगा, तुमने सोचा है? तुम यहाँ प्रज्ञा को एक्सपोज करोगी तो वो पलटकर अगर तुम पर वार करेगी तो तुम क्या करोगी? Have you thought about it? प्रज्ञा उससे तुम्हारे, आलिया और मेरे बारे में कुछ बोलेगी तो तुम क्या करोगी? तुमने सोचा है उसके बारे में? क्यों भूल जाती हो? प्रज्ञा के डिवोर्स से तुम्हारा फायदा है, राइट? ओनली विद दैट। आकाश और पूरब को जेल में देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम उन्हें फंसाती हो तो वो पलटकर तुम्हें भी फंसाएंगे, मुसीबत में पड़ोगी तुम। वो लोग कहेंगे क्या आप इसे? साबित क्या कर पाएंगे? जो भी कहे, अभी के दिमाग में शक पैदा करने के लिए काफी है। अगर वो चाहें तो साबित भी कर सकते हैं। हम निखिल सही कह रहा है। आलिया तुम ठीक हो? और अंदर क्यों नहीं आई? एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया था, उसकी वजह से मैं बाहर रुक गई थी, लेकिन अंदर जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा था। अगर तुम उन्हें एक्सपोज करने के चक्कर में अगर खुद को एक्सपोज कर दिया तो इट वोंट बी राइट। एंड दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले ये तो सोचो छींटे हम सब पर पड़ेंगे। तनु मैं यहाँ हूँ, आलिया यहाँ है। अभी ये तो पूछ सकता है ना कि अभी और प्रज्ञा के डिवोर्स पेपर्स में आलिया और मेरा क्या लेना देना? बस इतना काफी है उसको यही जानने के लिए कि इस सब में आलिया तुम्हारी हेल्प कर रही थी। एंड देन ही कैन गेट एंग्री और तुम्हारे जो डिवोर्स का तो एक्सरसाइज चल रहा है उस पर स्टे लगवा सकता है वो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम समझ रही हो ना तनु वो क्या बोल रहा है? I'm really sorry कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और उल्टा आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी। पता नहीं क्या सोच के। हाँ भाभी, जोश में होश ही खो दिया हम दोनों, इतना भी नहीं सोचा कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा। और सिर्फ हमारी गलती की वजह से आपको स्टूपिड तनु से इतना सुनना पड़ रहा है। तुम लोग माफी मांगकर खुद को छोटा मत करो, मेरे अपनेपन को शर्मिंदा मत करो। तुम लोगों ने तो वही किया ना जो एक अपना अपने के लिए करता। अच्छा मेरी बुलबुल यहाँ होती तो वो भी यही करती। मेरी इस लड़ाई में अगर किसी को सैक्रिफाइसेस देने हैं तो उस सैक्रिफाइसेस में तुम दोनों के नहीं होने दूंगी। तुम लोगों ने जो भी किया मेरे भले के लिए किया, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन बस अब और नहीं, मैं तुम लोगों पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। उन लोगों ने खुद के बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद करने की कोशिश किया, तुम दोनों को बचाने के लिए मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे तुम लोगों पे जितना भरोसा था तुम दोनों उस पर खड़े उतरे। बस तुम लोग मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम लोगों को एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाने दूंगी। कुछ नहीं होगा। अरे वाह, बात है यूनिटी। हाँ वैसे प्रज्ञा, अगर तुम्हें ये लोग इतने ही पसंद है तो तुम इनके साथ जेल क्यों नहीं चली जाती? इनफैक्ट वहां तो और टाइम मिलेगा मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग करने का। पर अफसोस, प्लानिंग तो कर लोगे पर कुछ कर नहीं पाओगे। आई मीन तुम लोग जेल में सजा जो काट रहे होंगे और मैं यहाँ अभी के साथ शादी के फेरे ले रही होंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।